इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए कि ये एक रेशनल फंक्शन है जो प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब क्या हुआ, जो डिनोमिनेटर है वो 3 डिग्री है, 1 + 1 + 1 3 हो गया, और डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर की डिग्री है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। दूसरी बात कि यहाँ पे बहुत सारे लीनियर फैक्टर इन्वॉल्व हैं, तो ये ऐसा रेशनल फंक्शन है जिसको हम लोग 3 फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, है ना, जिसके इंडिविजुअली x-1 x-2 x-3 एक डिनोमिनेटर्स होंगे, ठीक है। और इस मेथड को हम लोग कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो जैसा हम लोग प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ए इंडिविजुअली लीनियर फैक्टर को a अपॉन क्या लिख देंगे आप, x-1 + b / x-2 + c / x-3। यहाँ कुछ कांस्टेंट ए बी सी एग्जिस्ट करेगा। अब निकालेंगे कैसे ए बी सी, तो हमने शुरू के 3-4 क्वेश्चन हमने 2-3 तरीके से किए हैं, वो सारे तरीके आप देख सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप अपना लीजिए, है ना। खैर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, डायरेक्ट कर रहे हैं, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ए के लिए हमारे पास क्या होगा, ए के नीचे एक्स माइनस वन है, मतलब एक्स माइनस वन को जीरो प्लेस करिए, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। इस साइड में एक्स माइनस वन को हाइड कर लीजिए, जो भी जो कि ए का डिनोमिनेटर था, और रेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन में, ठीक है, जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसी में से वैल्यू रखेंगे। जो भी आपका एक्सप्रेशन है वहाँ पे क्या कर दीजिए आप, एक्स की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो 1/1 - ये हो जाएगा 1/1 - 2 and 1 - 3, ये कितना आ जाएगा, -1 और -2, तो दैट इज कम्स आउट टू बी 1/2। तो ए की वैल्यू 1/2 आ गई। इसी तरह से बी की वैल्यू निकाल लीजिए। बी निकालने के लिए क्या करें हम लोग, x-2 = 0, दैट मीन्स x = 2। x = 2 आप फिर से लेफ्ट हैंड साइड में रख दीजिए और x-2 को हाइड करके, तो x = 2 रखेंगे हम, तो 2/2 - 1 and 2 - 3, ये -1 देगी ब्रैकेट और ये 1 देगा, तो फाइनली -1 आ गया, मतलब -2 आ गया बी की वैल्यू। इसी तरह से सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, x-3 को हाइड करके 3 प्लेस कर देंगे, है ना, क्योंकि उसके नीचे x-3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3/3 - 1 × 3 - 2 हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 1, तो 3/2 आ गया, दैट कम्स आउट टू बी 3/2। अब हम लोग इसके नीचे प्रोसीड करेंगे, है ना, हमारे पास नीचे स्पेस है नहीं, तो हम यही लिख रहे हैं, ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई -2, और सी की वैल्यू हो गई 3/2। अब जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज अ लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ कि वो इंडिविजुअली इन तीनों ही रेशनल फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेगा, दैट इज dx। कांस्टेंट इंटीग्रेशन से क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे, उसके बाद जो बचेगा वो लीनियर 1/लीनियर एक्सप्रेशन है, मतलब उनका लॉग मॉड ऑफ जो भी डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 यहीं पे कर लेते हैं, बाहर आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, और यहाँ पे आप क्या करोगे, -2 बाहर कर लोगे, तो -2 यहाँ से हटा दिया, 1/1 हो गया आपका, यहाँ पे 3/2 बाहर कर लेते हैं, +3/2 और यहाँ 1 हो गया। तो ये जो इंडिविजुअल इंटीग्रेशन है 1/लीनियर एक्सप्रेशन, इनका लॉग ऑफ मॉड जो भी लीनियर एक्सप्रेशन है, तो दैट कम्स आउट टू बी लॉग ऑफ मॉड x-1 and -2 log of mod of x-2 and +3/2 times log of mod x-3 + indefinite constant c, that is your final answer.